एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन से परेशान है, या फिर गाड़ी में जमते फॉग से जो कि सर्दियों में अक्सर जम जाया करता है, या फिर पराली के धुएं से आंखों में लगी है जलन, तो हम आपके लिए ऐसा गैजेट लेके आए जो तीनों में ही हमारी हेल्प करेगा, वो है एक एयर प्योरीफायर। ये एयर प्योरीफायर जो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही हम इस कंपनी की एड कर रहे हैं, जस्ट मैंने अमेजोन से खरीदा है, मैंने यूजफुल पाया तो इसलिए इसकी आज अनबॉक्सिंग हम आपके सामने करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, समझते हैं इसके वर्किंग को, किस तरीके से ये काम करता है, क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स है, किस तरीके से ये एयर को क्लीन करता है। फंक्शंस की बात करें तो ये जो फैन है इसके अंदर एक अच्छा बड़ा फैन दिया है, आपको दिखाएंगे अभी कौन सा है। एरोमा थेरेपी फंक्शन है इसके अंदर, एरोमा टैबलेट्स, एरोमा ऑयल्स होते हैं वो यूज करने का फंक्शन भी है इसके अंदर। तीन स्पीड मोड्स आते हैं, एक हैपा फिल्टर है जो इसके अंदर फिल्टर है, वो एक हैपा फिल्टर यूज किया गया है जो कि क्लीनिंग के लिए काम आता है। एंटी स्क्रैच बॉडी, लो मेंटेनेंस, ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं। और हाँ, 360 डिग्री प्योरिफिकेशन है, यानी कि चारों तरफ से एयर लेता है और प्योरीफाई करता है। यूएसबी केबल के साथ में आता है, वन टच ऑपरेशन है इसका। प्राइस और कहाँ से खरीद सकते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अब इसके अंदर रखते हैं हमें मिलता क्या क्या। सबसे पहले वारंटी कार्ड मिलता है और एक ब्रांड प्रॉमिस है कि हाँ क्लीन एयर देगा, और एक हमें ये स्टार्टर पैक दिया है अरोमा बर्ड्स का जो कि एरोमा थेरेपी के लिए काम आता है, और एक ये एरोमा पैड है, जस्ट इसको ये जो एक स्टिकर लगे इसको रिमूव करके इसे हम यूज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे इसे यूज करेंगे। फाइनली हमारे इसके अंदर मिलता है एक एयर प्योरीफायर, एक यूएसबी केबल है जिससे ये काम करेगा पावर सप्लाई के लिए। गाड़ी के कार चार्जर से आप यूज कर सकते हैं, घर में कमरे में भी आप किसी भी चार्जर को यूज करके इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एयर प्योरीफायर है जो एक बहुत स्मॉल साइज कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है, गाड़ी के कप होल्डर के अंदर भी बहुत इजीली पूरा आ जाता है। खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। खोलने के बाद में ये हमारा फैन सेगमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक फैन साइज है, जितना साइज इस एयर प्योरीफायर का है उतना ही बड़ा ये फैन है। यहाँ पे ये पावर सप्लाई इसकी कनेक्ट होती है, ये एक हैपा फिल्टर है इसके अंदर जो कि क्लीनिंग के काम आता है। लगाने का तरीका, ये जो रबर वाला पार्ट है ये बेसिकली नीचे रहेगा, नीचे इसके अंदर एक ये प्लास्टिक पार्ट है जिसके अंदर ये हैपा फिल्टर फिट बैठता है, और इसके अंदर आप देखेंगे चारों साइड में इसके होल्स हैं, नीचे भी होल्स हैं। जब इसके अंदर हैपा फिल्टर फिट हो जाएगा, गंदी हवा इन वाले होल से और नीचे के होल से अंदर जाएगी, और साफ हवा ये वाले होल से बाहर निकल के इस वाले पार्ट से हमें बाहर मिल जाएगी। और जो ये एरोमा बर्ड है, ये एरोमा बर्ड यहाँ बिल्कुल नीचे, यहाँ पे हम एक मोल्ड दिया है पार्ट, यहाँ पे फिट कर सकते हैं एरोमा बर्ड को। इसके ऊपर कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल के ये हवा के अंदर अच्छी स्मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपर्पज है ये। और ये जो एरोमा बर्ड्स हैं, इसे ये ऊपर खोलने का ऑप्शन है, ऊपर इसके जिप लॉक भी दिया है, रास्बेरी फ्रेग्रेंस के अंदर है ये। एक एरोमा टैबलेट है, अगर इसेंशियल ऑयल के साथ यूज करना तो इस पैड को यूज करेंगे, अदरवाइज ये टैबलेट जो है इस टैबलेट को यहीं पे इसी हिस्से के अंदर ये फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे अभी हम इसेंशियल ऑयल को यूज ना करके इस टैबलेट को यूज करें, सबसे पहले टैबलेट रख देंगे। अगर एरोमा थेरेपी के लिए यूज नहीं करना, सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज करना, तो ये टैबलेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हटा के ये रबर वाले पार्ट को नीचे रख के हम इसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपरली फिट बैठ जाएगा और फिर इसे फिट कर देंगे। इसको पावर ऑन करने के लिए इसके इस पावर जैक के ऊपर इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये फर्स्ट मोड में ऑन होगा जो कि काफी स्लो है। इसके पॉइंट को देखेंगे तो ये नाइट मोड है बेसिकली। नाइट के अंदर अगर आप कमरे में इसे लगा के सोना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि रूम की एयर क्लीन होती रहे तो इस मोड पर आप लगा के सो सकते हैं। सेकेंड मोड के अंदर फैन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है और एक नेगेटिव आयन जनरेटर इसके अंदर ऑन हो जाता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, यहाँ अंदर एक ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। ये नेगेटिव आयन जनरेशन ऑन होने का एक सिंबल है कि हाँ नेगेटिव आयन जनरेटर ऑन हो गया है। और थर्ड मोड जो है इसके अंदर ये काफ़ी तेजी से काम करता है, जैसे सपोज गाड़ी है, गाड़ियों के अंदर काफ़ी पोल्यूशन रहता है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसके इसके अंदर। वैसे तो बेस्ट रिकमेंडेड ये है कि एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, एरिका पाम स्नेक प्लांट या फिर एलोवेरा जैसे काफ़ी प्यारे पौधे हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे पौधे हैं जो कि एयर को बहुत अच्छे से प्योरीफाई करते हैं। लेकिन गाड़ियों के अंदर या एनसीआर के अंदर सिर्फ प्लांट्स लगाना इनफ नहीं है, गाड़ियों के अंदर तो हम प्लांट तो लगा ही नहीं सकते, तो इस तरह के एक प्योरीफायर की एक जरूरत हमेशा हमें रह जाती है जो कि स्मॉल साइज का वो गाड़ी के अंदर काम कर सके।
और इसके अंदर हमने तीन मोड्स की बात करी थी, पहला नॉर्मली एयर प्योरिफिकेशन और दूसरा नेगेटिव आयन जनरेशन की। जो नेगेटिव आयन जनरेशन है, नेगेटिव आयन जनरेशन के अपने आप में बहुत से हेल्थ बेनिफिट है। नेगेटिव आयन जनरेशन एयर में या फिर हमारे आसपास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये वाटरफॉल्स या फिर नदियों के किनारे भी काफी नेगेटिव आयन्स जनरेट होते हैं, इसलिए हम वहां जाके अच्छा महसूस करते हैं। वैसे इसमें भी एक नेगेटिव आयन जनरेटर है जो कि हमारे आसपास के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। प्राइस रेंज की बात करें तो इस तरह के जो एयर प्योरीफायर्स हैं 2-3 हज़ार के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी ऑनलाइन साइट से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी खरीद सकते हैं। एक मस्ट हैव एक्सेसरी बन जाती है जब आप एक कार चला रहे हैं या फिर खासकर आप दिल्ली NCR के अंदर हैं। नॉन स्मोकर होते हुए भी हम कई सिगरेट के बराबर स्मोक को एक ही दिन के अंदर इनहेल कर लेते हैं, तो इसलिए एक मस्ट हैव हो जाता है जो कि हम अपने रूम में, अपने गाड़ी के अंदर कहीं भी से यूज कर सकते हैं और इजी टू हैंडल है, तो गाड़ी से घर, घर से गाड़ी भी बहुत इजीली से लेके आया जाया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है या आपको हमारी वीडियो पसंद है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं।